ये कहानी है पन्ना की। जी हाँ, उसी पन्ना की जो रातों रात किसी की भी किस्मत को बदलने का मात्रा रखता है। कहते हैं झारखंड में एक ऐसा इलाका है जहां हर कदम पर पन्ना छुपा है। लोग कहते हैं इस इलाके में जाना नामुमकिन है। उस इलाके में पन्ना की अवैध खुदाई होती है। उस इलाके में पन्ना कईयों की किस्मत बदल रही है। कशिश कॉरेस्पॉन्डेंट में आज चलेंगे पन्ना की खोज में। लोगों ने आगाह किया है कि वहां कदम कदम पर खतरा है, लेकिन खतरा कहां नहीं है। नमस्कार, मैं राज सिंह। कहते हैं कि झारखंड में अगर आप रहते हैं तो आप अपने आप को धनी मानिए, क्योंकि मिनरल के मामले में झारखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ क्या नहीं है। कहते हैं झारखंड के कोख यानी जमीन के भीतर क्या कुछ छुपा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा है कि झारखंड के एक इलाके में पन्ना मिल रहा है। जाहिर सी बात है, पन्ना बेशकीमती पत्थर होता है जिसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये बातें सिर्फ हवा हवाई है या फिर इस बात में कुछ सच्चाई है। आज हम निकले हैं उसी पन्ना की खोज में, ये देखने के लिए कि जिस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पन्ना मिलता है, क्या उस इलाके में पन्ना मौजूद है, और अगर पन्ना मौजूद है तो उसकी खुदाई कौन कर रहा है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से पन्ना को लेकर कुछ किया जा रहा है। जाहिर है हम निकले हैं उसी पन्ना की तलाश में, और आप देख रहे हैं कशिश कॉरेस्पॉन्डेंट। सुनी सुनाई लाखों बातें, कोई कहता है वहां पन्ना के साथ साथ नीलम भी मिलता है। तो कोई कहता है कि वहां माफिया और नक्सलियों का राज चलता है, कोई बाहरी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही कई सवालों के साथ हमने अपना सफर रांची से शुरू किया। जिस पन्ने की तलाश में हम निकले हैं उसके लिए सबसे पहले जमशेदपुर आना पड़ता है। रांची शहर से निकलकर हम अभी पहुंच चुके हैं जमशेदपुर शहर। अब जमशेदपुर शहर से ये जर्नी हमारी पन्ना की तरफ शुरू होगी। हमें जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक हमें सबसे पहले जमशेदपुर पहुंचना था। जमशेदपुर में कई लोग मिले जो दबी जुबान से ये तो बता रहे थे कि पन्ना आसपास में ही कहीं है, लेकिन कहां है ये बताने को कोई तैयार नहीं था। हाँ, इस दौरान इतना जरूर पता चला कि पन्ना के बारे में और जानना है तो हमें घाटशिला पहुंचना होगा। जमशेदपुर से हम अपने सहयोगी मनोज को साथ में लेकर फिलहाल आ पहुंचे हैं घाटशिला। बेशकीमती चीज की तलाश आपको हो तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। मनोज, अब तो घाटशिला पहुंचे आप, क्या हम लोगों की सफर की शुरुआत अब यहाँ से हो जाती है। जिस बेशकीमती पत्थर पन्ना के खोज में हम लोग निकले हैं, अब यहाँ से शुरू होता है। मूसाबनी है, उसके बाद भूरा बंधा चलेंगे। भूरा बंधा का एक बिहार गांव है और काफ़ी बड़ा जंगल है और पहाड़ है। वहाँ पर वर्षों से वहाँ पर पन्ना जो है कि पन्ना है। घाटशिला में उस इलाके का एक आदमी हमें पन्ना तक पहुँचाने को तैयार हुआ, लेकिन इस शर्त पर कि वो कैमरे पर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद हम घाटशिला स्टेशन पर थे। घाटशिला पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गया है। लोग कहते हैं ये पन्ना का ही कमाल है। घाटशिला स्टेशन पर हमें कुछ लोग ट्रेन का इंतजार करते दिखे। पहले तो
इसे सोने की चिड़िया जैसे भारत को कहते हैं, इसे घटचला जी सोने की चिड़िया के हिसाब से था। यहाँ जो कॉपर की पाँच छः माइंसें थी सब खुली हुई थी। कॉपर जो है उसमें जो ओर जो होता है कॉपर का, जो उसमें से उसको जब ये करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं तो कॉपर की मात्रा भी निकलती है और सोने की मात्रा भी निकलती है, सिल्वर भी निकलता है, सब निकलता है, कॉपर प्लांट भी था। हम अभी लोगों से बात कर ही रहे थे कि जानकारी मिली जो हमें पन्ना तक लेकर जाएगा वो पहुंच चुका है। उस शख्स ने कहा कि हमें घाटशिला से मुसाबनी जाना होगा, मुसाबनी में कोई और हमारा इंतजार कर रहा है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि आपको घाटशिला से मुसाबनी जाना होगा, मुसाबनी में कोई शख्स आपका इंतजार कर रहा है, वही वहां से लेकर आपको उस इलाके की तरफ जाएगा जहां के बारे में कहा जाता है कि पन्ना वहां मौजूद है, यानी पन्ना उस जगह पर मिलता है।